अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जी हां तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं मुकम्मल तफसील। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और इसके साथ आपने कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बता देना है कि मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल में वापसी का फैसला दुरुस्त है या गलत, आपने ज़रूर बता देना है। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाएँ ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आपका कोई भी कीमती वक्त जाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट का फैसला किया था, लेकिन अब मोहम्मद आमिर ने ऐलान कर दिया है कि मैं अपना रिटायरमेंट का फैसला वापस ले रहा हूँ। जी हाँ तो दोस्तों, अब दोबारा मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको एक्शन में नजर आएंगे। और मजीद भी मोहम्मद आमिर का कहना था कि मैं मिसबाउल हक और वका यूनिस के पास नहीं जाऊंगा बल्कि पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी के पास जाऊंगा और अपना फैसला उन्हें सुनाऊंगा। पीसीबी एहसान मानी की मर्जी है कि वो मुझे टीम में सेलेक्ट करे या नहीं, लेकिन मैं वका यूनिस और मिसबाउल हक के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पता है मोहम्मद आमिर बहुत बयान दे चुके हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है मुझे मिसबाउल हक और वका यूनिस की जानिब से। तो मोहम्मद आमिर ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर दिया है और मोहम्मद आमिर का कहना था कि मैं चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी को मिलूंगा और उसे यह बात बताऊंगा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा वापस आ रहा हूं। तो अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।